नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टीवी में मैग्नेटा स्क्रीन हो गया है। तो आज हम ये मैग्नेटा स्क्रीन कैसे ठीक करते हैं इसको जानेंगे। मैंने आपके पास ये सैमसंग टीवी रखा है, लेकिन सिर्फ सैमसंग ही नहीं, हर एक जितना भी सीआरटी टीवी है सब में ही यही फॉल्ट रहता है। तो चलिए हम इस फॉल्ट को कैसे ठीक करते हैं जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने इस टीवी का बैक कवर पहले से ही खोल के रखा है। तो चलिए दोस्तों, ये जो मैग्नेटा स्क्रीन है ये किस किस कारण से होता है पहले उसको जाने। ये वायर जो है आपको दिख रहा है, ये काला वाला वायर, मोटा वायर, इसको डिकोजिंग कॉइल बोलते हैं। ये ट्यूब में लपेटा हुआ रहता है, तो इस डिकोजिंग कॉइल के कारण से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इस डिकोजिंग कॉइल को चेक कैसे करते हैं इसको हम जानें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वायर, ये जो सॉकेट लगा हुआ है ये डिकोजिंग कॉइल का सॉकेट है। तो पहले इस सॉकेट को हम निकालते हैं और इसको चेक करते हैं। ये कैसे चेक करते हैं चलिए हम देखते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने ये जो डिकोजिंग कॉइल का सॉकेट है, इस सॉकेट में मल्टीमीटर का दो ब्लैक और रेड वायर को लगा के रखा है। तो चलिए अब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखने से क्या दिखाता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मल्टीमीटर का बजर बज चुका है और कंटिन्यूटी में 0.1 ओम्स दिखा रहा है। इसका मतलब है ये डिकोजिंग कॉइल बिल्कुल ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने जाना ये डिकोजिंग कॉइल ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये डिकोजिंग कॉइल का जो सॉकेट है इसको हम सर्किट में लगा देते हैं। ये जो डिकोजिंग कॉइल का सॉकेट है इसको हम यहाँ लगा देते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ डिकोजिंग कॉइल का सॉकेट का सामने में एक पार्ट्स दिखाई दे रहा होगा। ये जो पार्ट्स है इसको पीटीसी कहते हैं। दोस्तों, ये पीटीसी जब आप टीवी को ऑन करते हैं, उस ऑन करने का समय सिर्फ एक सेकेंड ही ये डिकोजिंग कॉइल को सप्लाई देता है एसी 220 वोल्ट। उसके बाद ये नॉर्मल मोड में आ जाता है, तो इसका ऑन करने के बाद कोई काम नहीं है। सिर्फ ये जो मैग्नेट लग जाता है स्क्रीन में उसको साफ करने के लिए है सिर्फ ये पीटीसी। चलिए दोस्तों, अब ये पीटीसी को हम बदल के देखते हैं। मैंने यहाँ नया एक पीटीसी लगा दिया है, अब देख रहे हैं दोस्तों, इसको यहाँ मैंने सोल्डरिंग कर दिया है। यहाँ मैंने एक पुराना वाला बदल के नया पीटीसी लगा दिया है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने ये पीटीसी बदल दिया है। ये यह अब यहाँ एक नया पीटीसी लग गया है। तो चलिए दोस्तों, इस टीवी को एक बार ऑन करके देखते हैं ये प्रॉब्लम हम लोग का ठीक हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, अब ये टीवी बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को पता लग गया होगा किन किन कारणों से ये प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।